वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन इन वेरियस प्रोसेस। सिंपली इसको हम यूज ऑफ एडजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। सबसे पहला एडजॉर्प्शन का जो यूज है वो है सिलिका जेल इज यूज्ड टू ड्राई एयर बाय रिमूविंग मॉइस्चर। एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिलिका जेल का यूज किया जाता है। सिलिका जेल एयर में जितना भी मॉइस्चर है उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और एयर कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है। आ रही है बात समझ में? सिलिका जेल जनरली आपने देखा भी होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गेजर, कोई भी डिवाइस हम लेके आते हैं जो मॉइस्चर की वजह से खराब हो सकता है, उसमें एक छोटा सा पैकेट प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ स्टोन लाइक क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं व्हाइट कलर से, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? सिलिका जेल बोला जाता है। वो एटमॉस्फेयर को ड्राई करने के लिए ही यूज किया जाता है। आ रही है बात समझ में? सेकंड एग्जांपल है, इफ चारकोल पाउडर इज एडेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर फिल्ड विद ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा गैसेस, देन प्रेशर ऑफ गैसेस रिड्यूस्ड, अगर किसी क्लोज्ड कंटेनर में ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा गैसेस प्रेजेंट है और उस क्लोज्ड कंटेनर में हम चारकोल पाउडर को एड कर देते हैं तो गैसेस का प्रेशर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि गैसेस की कुछ अमाउंट को चारकोल एड्सॉर्ब कर लेता है। अब जब गैसेस एड्सॉर्ब हो जाएगी तो वहां पे गैसेस की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इसलिए प्रेशर भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट है, शुगर सॉल्यूशन is passed through layers of charcoal, animal charcoal to make it colorless। अरे ये बात समझ में? शुगर सॉल्यूशन को कलरलेस करने के लिए उस सॉल्यूशन को एनिमल चारकोल की लेयर्स से पास किया जाता है। जैसे ही एनिमल चारकोल की लेयर से शुगर सॉल्यूशन को पास करोगे तो शुगर सॉल्यूशन के जितने भी कलरिंग मटेरियल है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। आ रही है बात समझ में? चारकोल का मतलब कार्बन पाउडर होता है सिंपली अगर बोले तो, और एनिमल चारकोल मतलब जो एनिमल की बोन्स से प्रिपेयर किया जाता है उसे एनिमल चारकोल बोलते हैं। क्लियर है बात? सिमिलरली अगर ऑर्गेनिक डाई मतलब ऑर्गेनिक कलर जैसे कि मिथाइलिन ब्लू इन्हें भी अगर कलरलेस करना है, मिथाइलिन ब्लू का कोई सॉल्यूशन है अगर उसे कलरलेस करना है तो इसे भी क्या किया जाता है? एनिमल चारकोल की लेयर्स से पास किया जाता है। तो जितना भी कलरिंग मटेरियल है, जितने भी डाई के मोलेक्यूल्स है उनको कौन एड्सॉर्ब कर लेता है? एनिमल चारकोल एड्सॉर्ब कर लेता है और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। आ रही है बात समझ में यहां तक? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन डिफरेंस लिखने का हमारा पुराना तरीका, एक साइड पे एडजॉर्प्शन लिख लिया, एक साइड पे एब्जॉर्प्शन लिख दिया और बीच में दीवार डाल दी। अब देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन एक सरफेस पे होने वाली प्रोसेस है, मींस इट इज अ सरफेस फिनोमिना, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये सब्सटेंस के अंदर होने वाली प्रोसेस है, मींस इट इज अ बल्क फिनोमिना। दोनों चीजें हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट,
एडजॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इन इट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स ऑन सरफेस ऑफ एनदर सब्सटेंस। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अरे ये बात समझ लें, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, इन इट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द बल्क ऑफ एनोदर सब्सटेंस। ये दोनों में डिफरेंस हो गया, इसमें तो एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं एडजॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आ रही है बात समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एडजॉर्प्शन इनिशियली क्या होता है, रैपिडली होता है, और आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इनिशियली इट अकर्स रैपिडली and after some time becomes slow. Initially absorption क्या होता है, fast speed से होता है, और कुछ time के बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, slow speed से होने लग जाता है। आ रही है बात समझ में, जबकि जो absorption है उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट होती है, चाहे स्टार्टिंग की बात करो, चाहे कुछ टाइम बात करो, लास्ट तक बात करो, ठीक है। तो इट अकर्स by a constant speed, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन है उसकी स्पीड क्या होती है, प्रोसेस में किसी भी टाइम पे देखो एक जैसी स्पीड रहती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इनिशियली रैपिड होता है, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, स्लो होने लग जाता है। अरे ये बात समझ में। इसके बाद में एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल लिख सकते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स बाय कैल्शियम क्लोराइड, एक एक डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस लिख सकते हैं। आ रही है बात यहाँ तक समझ में, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एड्जॉर्बेंट में सरफेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनकी नेचर बल्क में पार्टिकल जो प्रेजेंट है उनके कंपेयर में डिफरेंट होती है, इस वजह से ही एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। कैसे डिफरेंट होती है इसको हम समझते हैं। ये कोई एड्जॉर्बेंट मटेरियल ले लिया, इसमें जो बल्क में पार्टिकल प्रेजेंट है इस पर अदर पार्टिकल जो इसे सराउंड किए हुए हैं इनके अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं सभी डायरेक्शन से, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से अदर पार्टिकल्स के क्या लग रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो कितना है, जीरो है। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। क्यों, क्योंकि इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहे हैं वो अदर पार्टिकल्स के जितने भी फोर्स है वो एक दूसरे के जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनसे क्या है, बैलेंस्ड है। अरे ये बात समझ में, मतलब इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना है, जीरो है। बट जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है उस पर अंदर के पार्टिकल्स तो क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, बट ऊपर की साइड पे तो कोई पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोला जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर रेजिड्यूअल फोर्स। क्या बोलते हैं, रेजिड्यूअल फोर्स। तो
जो एड्सोर्बेंट है उसकी सरफेस पे जो पार्टिकल है उनके फोर्सेस कैसे होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए ये क्या करते हैं, जो एड्सोर्बेंट मटेरियल है उनके मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करके कहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, सरफेस पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इस वजह से क्या होती है, एडसॉर्प्शन की प्रोसेस होने लग जाती है। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अगर एड्सोर्बेंट मटेरियल की सरफेस को हम इंक्रीज करेंगे तो ऐसे पार्टिकल्स जिनके फोर्सेस कैसे अनबैलेंस्ड है उनकी नंबर्स भी बढ़ेगी, और वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एड्सोर्बेंट मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या बोलते हैं, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में हम सरफेस एरिया ऑफ एड्सोर्बेंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सोर्बेंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एक्सटेंट या बोल सकते हो अमाउंट ऑफ एड्सोर्प्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आ रही है बात समझ में? एक्सटेंट ऑफ एड्सोर्प्शन या अमाउंट ऑफ एड्सोर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग अनबैलेंस फोर्स उनकी नंबर बढ़ेगी। सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनके फोर्स अनबैलेंस्ड है तो उनकी नंबर बढ़ेगी सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से। इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा एड्सोर्बेंट को क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, सरफेस पे अट्रैक्ट करके। क्लियर है बात? इसके बाद में आगे देखो, जब भी एड्सोर्प्शन प्रोसेस होती है तो उसके लिए क्या बोला जाता है, देखो ड्यूरिंग द एड्सोर्प्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग द एड्सोर्प्शन प्रोसेस सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस। एड्सोर्प्शन प्रोसेस के ड्यूरिंग सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है एंड लिबरेट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हिच इज नोन एज हीट ऑफ एड्सोर्प्शन। क्या बोला जाता है उसे, हीट ऑफ एड्सोर्प्शन बोला जाता है। एड्सोर्प्शन की प्रोसेस में जो सरफेस एनर्जी है वो डिक्रीज होती है और हीट की फॉर्म में लिबरेट होती है, इसलिए इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, हीट ऑफ एड्सोर्प्शन बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? इसको हम समझ भी सकते हैं, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, मतलब स्टेबल हो रहा है, और जब भी स्टेबिलिटी होती है तो प्रोसेस की एनर्जी डिक्रीज होती है। दूसरी बात, एड्सोर्बेंट मॉलिक्यूल्स भी क्या है, पहले घूम रहे थे इधर उधर, ठीक, अब जैसे ही सरफेस पे आ गए तो स्टेबल हो गए, एक प्लेस फिक्स हो गया उनका, मतलब वो भी क्या हो गए, स्टेबल हो गए, उनकी एक्सेसिव एनर्जी क्या हुई, लिबरेट हुई। तो एड्सोर्प्शन के प्रोसेस में सरफेस एनर्जी रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, और हीट की फॉर्म में लिबरेट होती है, उसे क्या बोला जाता है, हीट ऑफ एड्सोर्प्शन बोला जाता है। आगे देखो, अगर एड्सोर्प्शन के प्रोसेस में हीट लिबरेट हो रही है तो एड्सोर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। आ रही है बात समझ में? अगली बात देखो, अगर एड्सोर्बेंट मोलिक्यूल्स आके स्टेबल हो रहे हैं एक्यूमुलेशन के दौरान या एड्सोर्प्शन प्रोसेस के दौरान, तो पहले वो रेंडमली मूव कर रहे थे, अब उनके मूवमेंट क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, कम हो गए या बिल्कुल स्टॉप हो गए। इसका मतलब उनकी रेंडमनेस कम होगी, और रेंडमनेस कम होने का मतलब क्या हुआ, एड्सोर्प्शन प्रोसेस में एड्सोर्बेंट मोलिक्यूल्स की रेंडमनेस मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होती है, ठीक है, क्या डिक्रीज होती है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है, और अगर एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एड्सोर्प्शन की प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, एड्सोर्प्शन की प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है, उसके अलावा एड्सोर्प्शन की प्रोसेस नेचर में अपने आप होती है, मतलब एड्सोर्प्शन कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो थर्मोडायनामिक्स क्या बोलती है, उसके लिए फ्री एनर्जी चेंज या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आ रही है बात समझ में? एड्सोर्प्शन के लिए डेल्टा जी भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। अब देखो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन हम जानते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या बोलती है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्लियर, ये क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। अब अगर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव करनी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो डेल्टा एस नेगेटिव है, अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ,
गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव करनी है, क्योंकि जो ऑप्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो कब होगा डेल्टा जी नेगेटिव? देखो अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एस तो फिक्स हो गया नेगेटिव होना एडजॉर्प्शन में, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये वैली वैल्यू टी डेल्टा एस तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो डेल्टा एच की वैल्यू ठीक है नेगेटिव हो, नेगेटिव ही और किससे ज्यादा हो टी डेल्टा एस से। इसका मतलब देखो अगर एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो जो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ एडजॉर्प्शन है उसकी वैल्यू टी डेल्टा एस से ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज भी पूछ सकते हैं, एडजॉर्प्शन के प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है, हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। अब अगर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन पूछा जाए कि डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा एडजॉर्प्शन प्रोसेस में, तो कब होगा जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से क्या हो ज्यादा हो ऑलवेज, तब एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। आ रही है बात समझ में? और अगर डेल्टा एच की वैल्यू कभी भी टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाती है तो इस सिचुएशन में डेल्टा जी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो का मतलब प्रोसेस में क्या जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, प्रोसेस में क्या जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा ठीक है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब है जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा जी इक्वल टू जीरो मतलब इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब एडजॉर्प्शन प्रोसेस में क्या है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन ठीक है, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। आ रही है बात समझ में? एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में अगर डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एच हो जाए तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो मतलब इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझना है एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एडजॉर्प्शन होने की जो रेट है और डिजॉर्प्शन होने की जो रेट है वो दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई। आ रही है बात समझ में यहाँ तक?